सारा बुक हो गया रे भाई। रे भाई कितना ज्यादा बुक हो गया। कलर वलर देख लो भाई। सारा ये वो चीज देखो ना, ये देखो 390 इसमें वायरलेस है ना। तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक फिर से न्यू वीडियो नहीं होता। आज किस प्यार से वीडियो देख रहे हैं तो दो याद ही चल रहे हैं और एक जो है मतलब दीपक नहीं आया है तो तीन आदमी चल रहा है। नवीन पीछे बैठा हुआ है उनके गाड़ी पे, तो चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है। तो चलते हैं आज का आगे, पता है आज चलेंगे भाई शोरूम, ठीक है, KTM का शोरूम में चल रहा है। तो वो क्या है नहीं है आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए आपको टाइम बता दें तो 4 बज रहा है, तो शाम में ही निकल रहे हैं क्योंकि सही है शाम में। और ये रहा भाई गाड़ी, कुछ इस तरह से ऐसे उतरता है, ठीक है। तो चलते देखते हैं क्या सीन है, जो गाड़ी को देखने चल रहे हैं। अगर पसंद पसंद आ गया तो भाई समझ रहे हो ना, तो बुक वगैरह जो भी है देखने को मिलेगा आपको। तो चलते हैं और ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते, थोड़ा थोड़ा कर रहा है इतना, शायद कल भी हो रहा था इतना ही और आज भी है, तो कोई दिक्कत उतना नहीं है। तो पहले जो है ना निकलते इधर से जो है बड़ा बड़ा ट्रक वगैरह सब है वो भाई। चलिए चलिए, तो देख रहे हो भाई, ओ भाई क्या साउंड कर रहा है, देख रहे हो ना भाई खतरनाक क्या साउंड है भाई, एक नंबर एक नंबर। तो मतलब अभी जो है ना शाम से इसलिए चल रहा है क्योंकि उस टाइम से जो था ना धूप वगैरह था, इसी के लिए जो है हम सोचे कि नहीं अभी रुक जाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए जो है और जल्दी जल्दी स्टार्ट कर लिए थे, गाड़ी पे ही करना पड़ गया था। तो कोई ना, चलते हैं। और अभी जो है मतलब शोरूम खुला हुआ रहना चाहिए, बाकी बात ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है, खुला हुआ रहना चाहिए भाई। इसी में से राबी जो है गिर रहा है, देख रहे हो, यही जो है ना आँख वाँख में पड़ रहा था तो इसी के लिए आँख नहीं खुल रहा था वो भाई। तो चलते हैं और जो है सूरज जी भी आ रहे हैं, तो आप लोग गैस करिए कि किनका है, ठीक है, वो गाड़ी किसके लिए है। तो बस चलते हैं और जो है ऊपर है KTM का शोरूम, नीचे जो है बता रहे आपको बजाज का है ना, उसी में चलेंगे क्योंकि ये जो है बगल में पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं हो भाई। थोड़ा ये क्यों दर्द हो रहा है भाई, अरे बाप रे, कोई ना इतना इतना चलेगा ये सब, हटाओ छोड़ो हटाओ। चलते हैं और जो है अभी जो है वॉइस बताती है कैसा रहा है भाई, सारा चीज़ ठीक है, तब वो ऐसे जो है घरघरा के क्यों जाता है ये नहीं समझ में आता है भाई। हो सके तो हेडफोन जो है ये सही से ना वर्क कर रहा हो, ये भी हो सकता है। और सारा चीज़ तो डन हो रखा है भाई, ये देख रहे हो ना, बस ये जो रोड है इसमें और आगे जाने वाला है, इसी के लिए जो है इधर से कुछ नहीं है, तो यहाँ तक काम हो गया हुआ है वो भाई। यानी एक दिन में जो है ना बहुत सारा काम होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भाई खतरनाक। तो सूरज जी जो है उसमें आ रहा है, देख रहे हैं आपको बता दे तो मिरर में जो दिखाई दे रहे होंगे, तो ये रहे सूरज जी। तो चलते देखते हैं क्या सीन होता है, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा तो जो भी होगा आपको देखने को मिल जाएगा। ओ भाई ये देख रहे हो, बीच में जो है बकरी वकरी जो आ जाता है ना यही सीन कर देता है खराब, बाकी बात ठीक है। ओ भाई ओ हो हो, साउंड चेक करो, हाँ ओ भाई बहुत खतरनाक बहुत खतरनाक, अरे बाप रे। तो रोड जो है ना भाई, रोड के क्या ही बात करें, एक नंबर मक्खन रोड जो है बन गया हुआ है, देख रहे हो, इसमें जो है कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ दिन जो है रोड चालू होने वाला है, शायद हमको लग रहा है उद्घाटन भी होगा जहाँ तक लगता है, ऐसे जो है गाड़ी वाड़ी चल रहा है तो क्या ही करे। तो ये जो रोड बनने का जो है ना बहुत अच्छा है, जो उसमें उतना मतलब नहीं आना पड़ता है, और इसमें आई से जो है नीचे से चल के ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, गोबर सही एक बार पहुँच जाएंगे। तो रोड जो है बहुत मस्त हो रखा है इसी के लिए, तो उसमें आते थे ना तो उसमें जो है थोड़ा बहुत रोड। तो हाँ, तो भाई अभी पहुँच चुके हैं हम लोग गोबर सही, तो यहाँ से बस थोड़ा जो है ये जो है पार करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है रस्सी वगैरह लगाया होगा हमको लग रहा है, हाँ लगा दिया हुआ है। तो चलते हैं और आगे से जो है लेना है, चलो भाई इसी में आ जाओ इसी में है।
तो कोई ना, चलते हैं। चलो चलो चचा चचा। तो अभी जो है भाई लोग आ गए कुछ इस तरह की जगह पे, तो जैसा भी होगा आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आइकॉन प्लाजा, ओ भाई इसमें भाई हुआ है, तो चलते हैं। और जो है यहाँ से लेना हम लोग को लेफ्ट, ये सामने से देख रहे हो भाई। बाप रे भाई, बहुत बड़ा बड़ा जो है मूर्ति यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि ये जो जगह है ना खुला हुआ है, और जो है वहाँ का जो था मतलब बना हुआ है, तो जितना बड़ा रूम रहेगा उसी के हिसाब से। और यहाँ रूम नहीं भाई, पूरा पंडाल से जो बनाते हैं ना, इसी के लिए जो है बहुत बड़ा लगता है। ठीक है, तो चलते हैं भाई। गाला क्यों ऐसे हो रहा है? अच्छा हट जाइए, तो नीचे में चलना होगा ना। सिर्फ ड्विक के अलावा ना दूसरा हमको गाड़ी अभी जो है KTM का पसंद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि RC एक था ओल्ड वाला, तो उसका भाई बात ही अलग था, उसका भाई कोई मुकाबला ही नहीं था। ठीक है ना, वो गाड़ी बहुत बंदा के दिलों पे राज किया। और जो भी है ओ भाई, तो यहाँ पे साइकिल वाइकल जो है ये चीज़ का है। तो अभी जो है बस पहुँच ही गए, तो सामने रहा भाई, तो ये सिर्फ ड्विक का ही है। तो गाड़ी लगाते हैं साइड में। गाड़ी कहाँ पे लगा है? ओ भाई देख रहे हैं, कहाँ CN? तुम लगा दो इधर। कहाँ CNG वाला है दोस्त? कहाँ है? बाकू बेकार हो। RSE सब मस्त है। ये है पल्स। हाँ हाँ कहिए ना कि ले लीजिएगा, कि जेब में रख दे, जेब में रख दे आप। ये गाड़ी आपको पे बहुत अच्छा लगेगा। पहले ऊपर चलो ना KTM में। अब ये लीजिएगा कि ये ओल्ड है, ये न्यू है, वो भी बुकिंग हो गया ना। सारा बुक हो गया रे भाई। कलर देखिए ना, मैट ब्लैक मस्त है ना। ये भी बुक हो गया। बाप रे भाई, कितना ज्यादा बुक हो गया। तीन बाइक जो है बुक हो गया हुआ है। ये बुक हो गया हुआ है। ये कुछ चीज देखो ना, ये देखो, ये देखो 390। इसमें वायरलेस है ना। हाँ हाँ वो तो है। सब 390 है ना। ये है 125। देखिए ना बैठ के, इस पे बैठ के देखिए, चाहे उस पे बैठ के देखिए। ये है ओल्ड वाला, ये है न्यू वाला। उस पे जाकर देखिए था, देखिए ना, इस पे बैठ के देखिए। एक बार देख ट्राई तो करिए। कंफर्ट देख लीजिए, सारा इसका बटन दिया हो, सेट होने के बाद जो है तब ठीक है।
इस पे भी देख लीजिए, इस पे बैठिए तो सूरज जी, इस पे बैठ, उसका देखिए ना, किसका 125 है तो। इसका कितना पड़ता है अभी प्राइस? 88,700 ऑन रोड। अच्छा ऑन रोड हो जाएगा क्या? 60,000 डॉट जरूर पे हो जाएगा। 60,000 दुआ भी लगे ना मुझे, दवा भी लगे ना।